बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS Study Point पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेमेस्टर परीक्षाओं पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षा तिथि को घोषित कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि ये जिस यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है, उस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है दोस्तों, कि आपके एग्जाम में क्या MCQ प्रश्न आएंगे या फिर आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ आज आपको ये जानने को मिलेगा कि आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि कब घोषित हो चुकी है, तो कब से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं ये किस यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है। तो ये दोस्तों महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है। ये न्यूज़ आई है 24 फरवरी को ही, ठीक है। कुछ बच्चों के पास ये न्यूज़ भी होगी, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर भेजा भी था। तो इसमें विषय दिया गया है कि द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पठन पाठन के प्रयोगात्मक कार्य नियमित रूप से निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने के संबंध में दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है सभी यूनिवर्सिटी में कि ये अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2023 की मुख्य परीक्षा 5 जनवरी 2023 को संपन्न कराई जा चुकी है। यानी 5 जनवरी को आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, ये हो रही है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की। लेकिन अब यहीं पर आप देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आंतरिक मूल्यांकन का कार्य भी निर्धारित अवधि में पूरा करा लिया जाए और अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से, यानी कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ की जा सकें। यानी कि यहां पर आपको निर्धारित तिथि दिया जा चुका है कि आपका जो अप्रैल लास्ट से द्वितीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विश्वविद्यालय के माध्यम से, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको ये न्यूज़ भी मिल जाएगी, यानी कि ये नोटिस भी मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सुनिश्चित यह निर्देश किया जाता है कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के पठन पाठन के समय सारणी से विश्वविद्यालय वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन इन माध्यम के साथ तहत अपलोड कर दिया जाए। यानी कि इनका मिड टर्म, आपका जो मिड टर्म की परीक्षा है और इसका प्रैक्टिकल, साथ ही साथ इन दोनों के कार्य जो हैं वो मार्च के फर्स्ट, यानी कि मार्च लास्ट तक करा लिया जाए और आपके जो परीक्षा हैं वो अप्रैल लास्ट तक होगा। तो ये हो गई आपकी परीक्षा तिथि। अब ये मानकर चलिए मई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, या आप मानकर चलिए कि 20 अप्रैल से ही स्टार्ट हो सकती है आपकी परीक्षा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि आपका पेपर कैसा रहेगा। तो आपको बता दें, आपका पेपर इस बार द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का MCQ मोड में होना है। यानी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, जिस प्रकार से थर्ड और सेकेंड सेमेस्टर में हुई थी ऑब्जेक्टिव मोड में, ठीक उसी प्रकार से आपकी परीक्षा इस बार फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में भी कराई जाएगी। यानी कि जो आपके आएंगे वो MR सीट पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी MCQ मोड में, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ मोड में, ठीक है। तो अब मुझे आशा है कि आप सब हमारी इस जानकारी से सहमत हुए होंगे। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज से आपकी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की MCQ मोड में मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके छात्र छात्रा हैं या आपके दोस्त हैं, उनमें ये वीडियो शेयर करने का प्रयास करिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।